हे गाइस, मेरा नाम है पराग और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफ्लेक्शन ऑफ बीम के बारे में। ये वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्या है ना, सॉम के रिलेटेड शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, टॉर्शन, स्प्रिंग, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम, ये सारे टॉपिक के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन एसएससी जेई के एग्जाम में, आरआरबी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो मैं इसलिए ये टॉपिक छोटे छोटे टॉपिक बना रहा हूँ। इनमें आपको मैं फार्मूले बताऊंगा जो आप एसएससी जेई के एग्जाम में यूज कर पाओगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जब भी डिफ्लेक्शन ऑफ बीम के बारे में बात आती है, मतलब डेल्टा के बारे में या फिर थीटा के बारे में बात आती है, सबसे पहले आपको एक इक्वेशन ध्यान में रखना होता है। व्हाट इज द इक्वेशन फॉर डिफ्लेक्शन ऑफ बीम? तो एक इक्वेशन है जो आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, देर इज वन इक्वेशन जो आपको लिखना भी है आपके बुक में, प्लीज आप अपने बुक में लिख के भी रखिएगा सारी चीजें, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन ऑफ बीम जो होता है वो इस तरीके से दिया जाता है, एम इक्वल्स टू ओके ई आई डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। ओके, तो एम इक्वल्स टू ई आई डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, ये होता है आपका इक्वेशन। ये इक्वेशन होता है डिफ्लेक्शन ऑफ बीम का इक्वेशन, ये आपको ध्यान में रखना है। एम जो रहता है वो होता है आपका बेंडिंग मोमेंट। ओके ओके, एम होता है आपका बेंडिंग मोमेंट। फिर उसके बाद ई जो होता है, ठीक है, ई यहाँ पे दिया नहीं है लेकिन वो आगे चल के आएगा। ई इज नथिंग बट योर यंग्स मॉडुलस। ओके, ओके, आई जो होता है वो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, ये तीनों चीजें आपको ध्यान में रखना है। ये तीनों चीजें के ऊपर ही आपके सारी चीजें वर्कआउट करेगी। अगर आपके तीनों चीजें आपने प्रॉपरली मेंटेन नहीं किए तो आपको ये आंसर नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखना है ना। उसके बाद अभी एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, इसमें द प्रोडक्ट ऑफ ई इंटू आई जो होता है, इसमें जो प्रोडक्ट होता है ना, ये ई आई जो होता है, दिस ई आई, इसका जो मल्टीप्लीकेशन होता है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, प्लीज अपने बुक में लिख के रखिएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ ई आई या फिर ई आई जो होता है उसको हम बोलते हैं फ्लेक्जरल रिजिडिटी। क्या बोलते हैं? फ्लेक्जरल रिजिडिटी, ठीक है, उसको हम बोलते हैं फ्लेक्जुलर रिजिडिटी, इसको बोलते हैं। तो प्लीज ये आप अपने बुक में ऑलरेडी लिख के रखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ अभी हम डायरेक्ट स्ट्रेट अवे आएंगे हमारे मेन टॉपिक के ऊपर जो आपको सीखना है। देखो, अगर आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है, ओके, इफ यू आर सिंपली सपोर्टेड बीम, वेट मी, ओके, इफ यू आर सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है, और इस तरीके से आपका बीम है और आपके ऊपर एक पॉइंट लोड अगर अप्लाई हो रहा है, ओके, सेंटर में अगर पॉइंट लोड अप्लाई, डब्ल्यू पॉइंट लोड अप्लाई हो रहा है L by 2 डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है, L by 2 डिस्टेंस के ऊपर अगर पॉइंट लोड अप्लाई हो रहा है तो उस टाइम में आपका डिफ्लेक्शन क्या रहेगा? डिफ्लेक्शन हम Y से डिफाइन करते हैं या फिर YC से डिफाइन करते हैं। कई बार किसी बुक में YC से आपने देखा होगा, तो हम YC से डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो जो डिफ्लेक्शन होगा ये आपको मिलेगा बाय द फार्मूला W L क्यूब डिवाइडेड बाय 48 EI, ठीक है। W हो गया आपका लोड, L हो गया ये टोटल लेंथ हो गई आपकी, ठीक है, उसके बाद 48 आपका स्टैंडर्ड है, E की वैल्यू आपको दी रहेगी यंग्स मॉडुलस की, I की वैल्यू आपको दी रहेगी। तो अगर आपको ये चार ही वैल्यू दी है तो आप सिंपल तरीके से डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं। ये क्या कंडीशन है? पॉइंट लोड अप्लाइड इन मिडल ऑफ द सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है, इस तरीके से आप बोल सकते हो, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो कि सिंपली सपोर्टेड बीम विथ सेंट्रल पॉइंट लोड, ठीक है। तो इस टाइप का अगर आपको बीम पूछा जाता है या फिर ऐसा बोला जाता है सिंपली सपोर्टेड बीम विथ सेंट्रल पॉइंट लोड, ओके, विथ सेंट्रल पॉइंट लोड, अगर ऐसा पूछते हैं, ये केस अगर पूछते हैं तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, ओके। नाउ उसके बाद अगर मान के चलो, अगर आपका बीम है सिंपली सपोर्टेड ही बीम है लेकिन आप के उस पर जो लोड अप्लाई होने वाला है वो लोड अगर मान लो ए और बी डिस्टेंस के ऊपर है, एट ए बी डिस्टेंस के ऊपर अगर है, ठीक है, मतलब इतना डिस्टेंस मान लो आपका ए है, इतना डिस्टेंस मान लो आपका बी है, ओके, और ये आपका डब्ल्यू लोड अप्लाई हो रहा है, ठीक है, और ये टोटल लेंथ है आपकी कितनी, एल, ठीक है। तो इस केस में आपका डिफ्लेक्शन क्या रहेगा? तो देखो, आपका जो डिफ्लेक्शन का जो फार्मूला बनता है जिसको हम YC से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू द W इंटू ए बी, मतलब W आपका लोड हो जाएगा, A ये उतना डिस्टेंस और B डिस्टेंस,
ठीक है, डब्ल्यू इंटू ए इंटू बी करना है आपको, डिवाइडेड बाय सिक्स ओके ई आई इंटू एल, ठीक है, सिक्स ई आई इंटू एल इन ब्रैकेट एल स्क्वेयर ओके माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी आप बोलेंगे यार इतना तो ध्यान में नहीं रहेगा, तो इसका भी शॉर्ट फॉर्म मैंने अभी बनाया वो बता देता हूँ आपको। तो इसका जो शॉर्ट फॉर्म है दैट इज इक्वल टू वाई सी इक्वल टू, मतलब इसको ही मैंने सॉल्व किया है तो वो बनेगा वाई सी इक्वल टू ओके डब्ल्यू इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय थ्री ई आई इंटू एल, ठीक है। सो अगर आपको ये फार्मूला है, ठीक है, अगर आपके पास ये फार्मूला है वाई सी इक्वल टू डब्ल्यू इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय थ्री ई आई इंटू एल, तो आप इस पर्टिकुलर बीम का डिफ्लेक्शन निकाल सकते हो, ठीक है। इस तरीके से सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, सिंपल तरीके से आप ये निकाल सकते हो, ठीक है। ओके नाउ अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसमें क्या होता है ना, एक एक पॉइंट होता है जैसे मैं आपको आपको बताना चाहता हूँ। अगर आपका बी इफ इफ योर बी डिस्टेंस इज ग्रेटर देन ए डिस्टेंस, मतलब अगर आपका बी जो है, बी जो डिस्टेंस मैंने बताया था वो अगर ए से ज्यादा है, तो उसमें क्या है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आ सकता है। क्यों, देखो अगर मैं ये ऐसी एग्जाम डायग्राम बनाता हूँ, क्योंकि मैंने जो डायग्राम बनाई थी वो मैंने दूसरी बनाई थी ओके, मेरे डायग्राम के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। अगर मेरा पॉइंट लोड यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ए मेरा कम डिस्टेंस है, बी मेरा ज्यादा डिस्टेंस है, ठीक है, क्लियर। पहले डायग्राम में क्या कंडीशन होती, अगर मेरा ए ठीक है डिस्टेंस ज्यादा है बी से, तो मेरा डिफ्लेक्शन ज्यादा आता, क्योंकि मैंने डायग्राम अलग बनाई थी, ठीक है। तो इस केस में मैं क्या बना रहा हूँ, सॉरी इस केस में मैं ऐसा बता रहा हूँ आपको कि ये बी डिस्टेंस देखो ज्यादा है ए से, ठीक है। तो अगर मेरा बी डिस्टेंस ए से ज्यादा है तो यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आएगा, देयर विल बी अ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, मैक्स डिफ्लेक्शन आएगा यहाँ पे, ठीक है, मैक्स डिफ्लेक्शन आएगा, ठीक है। तो अगर ये मैक्स डिफ्लेक्शन आता है तो ये कितने डिस्टेंस पे आएगा, ठीक है, इस पे जो मैक्सिमम डिस्टेंस जो आएगा ओके, द मैक्सिमम डिस्टेंस जो आए, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो आएगा वो एक्स डिस्टेंस पे आएगा, क्या आएगा, एक्स डिस्टेंस पे आएगा, ठीक है। ये समझ लो बात, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि अगर मेरा ए बी डिस्टेंस है, बी डिस्टेंस मेरा ज्यादा है ए से, तो एक्स डिस्टेंस के ऊपर ओके एक मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आएगा। तो वो कैसे निकालेंगे, तो उसका फार्मूला जो है, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेंगे, तो अगर आपको वो निकालना है तो आपका आंसर रहेगा एक्स इक्वल टू, सबसे पहले आपको एक्स निकालना पड़ेगा, दैट विल बी इक्वल टू जो टोटल लेंथ उसका स्क्वायर करना है माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय थ्री, मतलब एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय थ्री, ओके ये करना है। और उसके बाद आपका डिफ्लेक्शन का वाई मैक्स का आपको फार्मूला लगाना है, जो रहेगा आपका डब्ल्यू इंटू ए डिवाइडेड बाय नाइन अंडर रूट थ्री ई आई इंटू एल इन मल्टीप्लाई बाय एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो आपको क्या करना है इस केस में, अगर इस केस में अगर आपको मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पूछा तो आपको ये फार्मूला यूज करना है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको एक्स की वैल्यू निकालना बहुत जरूरी है, ठीक है। देखो दो चीजें, इस पर्टिकुलर फंक्शन में आपको डिफ्लेक्शन पूछ सकता है, मतलब ये जो पॉइंट यहाँ पे, चलो मैं इसको सी बोल देता हूँ, तो डिफ्लेक्शन अगर आपको ये इतना डिफ्लेक्शन पूछा, ये डिस्टेंस पूछा, मतलब आपको वाई सी पूछेंगे। वाई सी का मैंने इक्वेशन क्या बताया आपको, वाई सी का मैंने आपको इक्वेशन बताया कि वाई सी इक्वल टू ओके डब्ल्यू इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय थ्री ई आई इंटू एल, ठीक है। तो अगर आपको ये डिस्टेंस निकालने के लिए पूछा, डिफ्लेक्शन निकालने के लिए पूछा, तो आप ये फार्मूला यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आपको मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालने के लिए पूछा है, वाई मैक्सिमम निकालने के लिए पूछा है, तो आपको ये निकालना पड़ेगा, ये फंक्शन यूज करना पड़ेगा जो मैंने बताया, वाई मैक्स इक्वल टू लोड इंटू ए डिस्टेंस डिवाइडेड बाय नाइन अंडर थ्री ई आई इंटू एल इन ब्रैकेट एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2, ठीक है, ये आपको यूज करना है। और अगर उन्होंने ऐसा पूछा कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कौन से पॉइंट पे आएगा, कितने डिस्टेंस पे आएगा, तो आपको एक्स की वैल्यू उनको निकाल के देनी है। वो कैसे निकलेंगी, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर टोटल ये जो लेंथ है ओके एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय थ्री, ठीक है। तो इस ये तीनों देखो, इतना इंपॉर्टेंट लेक्चर है, प्लीज लास्ट तक देखिए, ठीक है, ये आपके बहुत काम में आएगा। नाउ दोस्तों अभी हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट सिंपली सपोर्ट लोडिंग के बारे में। मान के चलो हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है और उसके ऊपर हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हम क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, यूडीएल अप्लाई कर रहे हैं, जो कि है डब्ल्यू पर वेट पर यूनिट लेंथ, डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ होता है,
आप सबको तो पता ही होगा, ठीक है। तो अगर इस केस में, और इसकी लेंथ है L, ठीक है, अगर इसका आपको YC निकालना है, ठीक है, मतलब डिफ्लेक्शन अगर आपको निकालना है कितना डिफ्लेक्शन होगा, तो इसका सिंपल फार्मूला है, वो होता है 5W L^3 / 384 EI, ठीक है, 5 × W L³ / 384 EI। मैंने एक बेस में लिखा है, मैं वही प्रॉपर तरीके से आपको बताता हूं, ओके। सो आपको ये फार्मूला यूज करना है ताकि आप इस पर्टिकुलर डायग्राम लोडिंग के लिए, इस पर्टिकुलर लोडिंग के लिए ऑन सिंपली सपोर्टेड बीम आप डिफ्लेक्शन आइडेंटिफाई कर पाओगे, ओके। नाउ अभी हम बात करेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम विथ वेराइंग लोड, ठीक है। तो देखो, अगर मेरे पास सिंपली सपोर्टेड बीम है, ओके, और मेरे पास वेराइंग कंडीशन का लोड है, ठीक है, अगर मेरे पास वेराइंग लोड है, इस तरीके से मेरे पास लोड है, ओके, इस तरीके से अगर लोड है, ठीक है, इतना मुझे उन्होंने डिस्टेंस W दिया है, ठीक है, मतलब इतना W लोड अप्लाई हो रहा है और इतना डिस्टेंस उनका क्या ये L है। तो इस केस में भी दो कंडीशन होती है, देखो जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बताया, इसमें UDL में और पॉइंट लोड जब सेंट्रली अप्लाई होता है उसमें मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एक ही पॉइंट पर निकलता है, बट जब वेराइंग लोड आता है और पॉइंट लोड एट अनइक्वल डिस्टेंस के ऊपर अप्लाई होता है तो मैक्सिमम वाई मैक्सिमम की चांसेस रहते हैं और आते ही है, बिकॉज आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस पॉइंट के ऊपर ज्यादा लोड अप्लाई हो रहा है, इधर कम लोड अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो उसके वजह से सबसे पहले अगर आपको डिफ्लेक्शन ही निकालने के लिए बोला तो आपका जो फार्मूला होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, वो होगा आपका दैट विल बी इक्वल्स टू दी 1/ EI, ठीक है, इंटू W L^³ / 36, ओके, -W x² / 120 L -7W L³ × x / 360, ठीक है। अभी आप बोलेंगे यार ये x निकालेंगे कैसे, देखो अगर आपको x निकालना है तो x इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 0.519 × L, ठीक है। अगर आपको कुछ डरने की जरूरत नहीं है, जो भी आपकी लेंथ है उसको 0.519 से मल्टीप्लाई करो, आपको डायरेक्ट एक्स की वैल्यू मिल जाएंगी, इसमें डाल देना, ठीक है। तो वाई इक्वल टू, ठीक है, आपको 1/EI इंटू ये पूरा इक्वेशन मिल जाएगा, ओके। नाउ अगर उन्होंने पूछा कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालो, वाई मैक्स निकालने के लिए पूछा, और वो पूछेंगे ही पूछेंगे, तो आपका आंसर क्या रहेगा, देखो बता रहा हूं मैं, 0.006, ओके, 00652 W L^4 / EI, ठीक है। तो ये आपका रहने रहेगा क्या इक्वेशन, ठीक है, मतलब अगर आपको मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पूछा तो आपका ये इक्वेशन रहना चाहिए, ठीक है। प्लीज लिख के रखिए, ये छोटे छोटे चीजें जो आपको ध्यान में रखना है, इंटरव्यू में भी बहुत काम में आती है ये सारी चीजें, ओके। नाउ अभी हम बात करेंगे अगर आपका बीम, एक साइड से फिक्स्ड है, ओके, और दूसरी साइड पे इस तरीके से पॉइंट लोड अप्लाई हो रहा है और इतना उसका डिस्टेंस है L, ओके। नाउ अभी इस केस में किस तरीके से आपका डिफ्लेक्शन आएगा, ठीक है। तो देखो, इस टाइप में आपको जो डिफ्लेक्शन आता है वो आता है y इक्वल्स टू 1/EI, ठीक है, W L² इंटू x डिवाइडेड बाय 2 -W x³ / 6 -W L³ / 3, ठीक है। तो लेकिन अगर यहां पे भी बहुत सारी चीजें चेंजेस है, इसमें क्या होता है ना, इसमें एक चीज ध्यान में रखना, द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑकर एट अ डिस्टेंस वेयर एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो इसमें क्या होगा, यहाँ पे जो लोड अप्लाई हो रहा है उसके वजह से जो डिफ्लेक्शन आएगा कुछ इस तरीके से जाएगा। तो इसका मतलब क्या, अगर आपको फिलिंग द ब्लैंक्स किसी ने पूछी कि अगर कांटिलीवर बीम है, ओके, या कांटिलीवर बीम है, एक साइड से फिक्स है, अगर आपका एक्स इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, तो आप में डिफ्लेक्शन मैक्सिमम आएगा कि मीडियम आएगा कि किस तरीके से आएगा, तो आपका आंसर रहेगा कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आएगा, ठीक है। तो अगर आपको डिफ्लेक्शन निकालना है तो आपका जो ये वाई जो आपको निकालना है तो उसका फार्मूला आपका रहेगा वाई इक्वल टू 1/EI W L² डिवाइड बाई 2 -W x³ / 6 -W L³ / 3, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। नाउ हमेशा ध्यान में रखना है कि ये जो वाई मैंने जो बताया, ठीक है, ये जो मैंने वाई बताया ये इस पॉइंट के ऊपर का आता है, ठीक है, ये इस पॉइंट के ऊपर निकलेगा, ठीक है। अभी ये आप बोलेंगे या एक्स कौन सी वैल्यू लेंगे, देखिए आपको एक्स की वैल्यू कौन सी लेनी है, इतनी वैल्यू लेनी है, ठीक है, एक्स की वैल्यू रहेंगी एक, ये कैसे मैं बताता हूं, अगर आपको उन्होंने कंडीशन दी रहेगी, अगर जब भी आपको वाई की वैल्यू निकालने के लिए बोलेंगे तो वो बोलेंगे कि यार हमें
एंड जहां से लोड अप्लाई हो रहा है उस साइड से 3 मीटर के डिस्टेंस पे या पर्टिकुलर डिस्टेंस आपको दिया रहेगा, तो वो जो डिस्टेंस दिया रहता है दैट विल बी इक्वल्स टू एक्स, ठीक है, वो वैल्यू उसमें पुट कर देने। अगर अभी आपको अभी अभी मेन बात यहाँ पे चालू होती है, अगर उन्होंने आपको ये वैल्यू निकालने के लिए बोली, मतलब वाई मैक्स निकालने के लिए बोला है, तो आपका क्या फार्मूला रहेगा? अगर आपको वाई मैक्स निकालने के लिए बोला है तो आपका फार्मूला रहेगा डब्ल्यू एल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 ई आई, ठीक है, आपका ये फार्मूला रहेगा। अगर आपको मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालने के लिए बोला है तो आपका फार्मूला रहेगा वाई मैक्स इक्वल टू डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 3 ई आई। ओके, नाउ अभी मैं आपको फिर से बताऊंगा कि देखो, अगर मेरे पास अभी मेरे पास फिक्स बीम है और उसके ऊपर मेरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड अप्लाई हो रहा है, यूडीएल अप्लाई हो रहा है, ठीक है, जो डब्ल्यू पर लेंथ होता है, वेट पर यूनिट लेंथ होता है, ठीक है, इस तरीके से अगर जा रहा है तो हमेशा ध्यान में रखना एक एक्स एक्स डिस्टेंस के ऊपर हमारा एक डिफ्लेक्शन आएगा, ठीक है, जो एक्स डिस्टेंस के ऊपर जो मेरा डिफ्लेक्शन आएगा दैट विल बी गिवन बाय वाई इक्वल्स टू वन अपॉन ई आई इन ब्रैकेट डब्ल्यू एल क्यूब इन टू एक्स बाय 6 माइनस डब्ल्यू एक्स टू द पावर 4 बाय 24 माइनस डब्ल्यू एल टू द पावर 4 बाय 8, ठीक है। इस फार्मूला का यूज करके आप इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर डिफ्लेक्शन निकाल सकते हो, मतलब आपका डिफ्लेक्शन कुछ इस तरीके से आएगा, मतलब ये जो रहेगा दैट वाई इक्वल्स टू ये, तो आगे अभी आप बोलेंगे यार एक्स की वैल्यू कितनी रहेंगी, तो इस पॉइंट से लेके मतलब इस एंड से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एक्स, वो आपको दिया रहेगा। अभी अब आपको बोलेंगे कि भाई क्योंकि ये तो ओपन टू एयर है, यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, अभी ये सपोर्ट नहीं है इसलिए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में जो डिफ्लेक्शन आएगा वो कुछ आपका इस तरीके से जाएगा, तो ये जो डिफ्लेक्शन है वाई मैक्स जो निकलेगा ये कि कौन से फार्मूले से निकलेगा, इसका आंसर है मेरे पास, मैं आपको बता रहा हूँ, दैट इज डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 8 ई आई, ठीक है, तो ये वाई मैक्स इक्वल टू डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 8 ई आई, इस फार्मूले का यूज करके आप सिंपल तरीके से मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इन कैंटिलीवर सपोर्ट विद यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा सकते हो। अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज ऐसी है कि मान के चलो अगर आपके पास फिक्स सपोर्ट है, ठीक है, ये आपका बीम है, लेकिन आपका जो यूडीएल है वो सिर्फ आधे इसमें ही अप्लाई हो रहा है, एक सर्टेन L1 डिस्टेंस में अप्लाई हो रहा है, ठीक है, और ये टोटल बीम की लेंथ आपकी कितनी है, L है, ठीक है, क्लियर, तो इसमें ये आपका W पर लेंथ है, ठीक है, तो आपका मान के चलो मैं इसको A नाम दे रहा हूं, ठीक है, इसको B नाम दे रहा हूं, इसको C नाम दे रहा हूं, तो मुझे अगर YC निकालना है, मतलब डिफ्लेक्शन एट C पॉइंट अगर मुझे निकालना है, ठीक है, तो मेरा जो आंसर रहेगा, मेरा जो फार्मूला रहेगा वो रहेगा W इंटू L1 टू द, मतलब ये L1 इसका टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 ई आई, और मगर मुझे YB निकालना है, ओके, अगर मुझे वाई बी निकालना है तो मेरा फार्मूला क्या रहेगा, मैं वो भी बता दे रहा हूं आपको, दैट विल बी इक्वल टू 7 W L टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 384 ई आई, ठीक है, इस तरीके से दो फार्मूले आपके रहेंगे जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। देखो दोस्तों, ये चीजें आपको कोई बताएगा नहीं, प्लीज इन वीडियो को लास्ट तक देखा कीजिए। ओके, नाउ अभी कैंटिलीवर बीम में, अभी मान के चलो आपका कैंटिलीवर बीम ही है लेकिन उसमें यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड अप्लाई हो रहा है, इस तरीके से अप्लाई हो रहा है, ठीक है, और एक्स एक्स डिस्टेंस, ठीक है, यहाँ पे डब्ल्यू में अप्लाई हो रहा है, तो अगर आपको पूछा है, और इतना डिस्टेंस आपका एल है, ठीक है, अभी आपको पूछा है कि भाई बताओ कि मेरा इसमें डिफ्लेक्शन क्या आएगा, ठीक है, मतलब इस पॉइंट के ऊपर अगर आपको डिफ्लेक्शन पूछा है, दैट डिफ्लेक्शन इज गिवन बाय वाई इक्वल्स टू वन अपॉन ई आई डब्ल्यू एल क्यूब इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 24 माइनस डब्ल्यू एक्स टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 120 इंटू एल माइनस डब्ल्यू एल टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 30। ये सारे फार्मूले आपको ध्यान में कैसे रखने, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है, फिलहाल आप लिख के रखिए। ओके, नाउ अभी ध्यान में रखना है, अभी मुझे इस पॉइंट के ऊपर अगर निकालना है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, अगर मुझे निकालना है वाई मैक्स अगर निकालना है, तो उसका फार्मूला रहेगा डब्ल्यू एल टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 30 ई आई। देखो मैक्सिमम ना, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पूछते एग्जाम में, ओके, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन पूछते नहीं है, तो प्लीज यही चीजें आपको देखने ध्यान में रखनी है। ओके, नाउ अभी मान के चलो, नाउ अगर आप आपके पास एक बीम है जो दोनों साइड से फिक्स्ड है, ओके, और उसमें सेंटर में आपका लोड अप्लाई हो रहा है, तो ये L/2 L/2 डिस्टेंस में क्या हो गया, उसका क्लासिफिकेशन हो गया, ओके, सेपरेट हो गया, तो उस केस में ये पॉइंट के ऊपर आपका डिफ्लेक्शन क्या रहेगा,
तो y इक्वल्स टू वो हो जाएगा w इंटू एल क्यूब डिवाइडेड बाय 192 ई आई। ठीक है, मतलब अगर आपका दोनों साइड से फिक्स्ड है बीम और उसमें पॉइंट लोड अप्लाई हो रहा है, तो पॉइंट लोड के जगह पे जो डिफ्लेक्शन आएगा दैट विल बी कैलकुलेटेड बाय फार्मूला डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 192 ई आई। ओके, नाउ अभी मान के चलो कि अभी सेम आपका बीम है लेकिन उसका जो लोड है वो ए बी डिस्टेंस के ऊपर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका किस तरीके से डिफ्लेक्शन निकलेगा। तो उस केस में सबसे पहले ध्यान में रखो आपका जो वाई, मतलब देखो इस पॉइंट के ऊपर जो डिफ्लेक्शन निकलेगा दैट विल बी योर वाई, वो कैसे निकलेगा देखो, उसका फार्मूला ऐसा रहेगा डब्ल्यू इंटू बी स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 6 ई आई इंटू एल स्क्वेयर इन ब्रैकेट एक्स 3 ए प्लस बी माइनस 3 ए एल ओके और ब्रैकेट कंप्लीट। तो इस तरीके से आपका फार्मूला बनता है, लेकिन आपको एक्स की वैल्यू निकालना जरूरी है। एक्स क्या हो जाएगा, ये इतना डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्स कैसे निकलेंगे देखो, 2 इंटू ए इंटू एल डिवाइडेड बाय 3 ए प्लस बी। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। नाउ अभी अगर आपको पूछा है कि भाई मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना होगा, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो होता है इस पर्टिकुलर केस में यही पूछेंगे, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ये मैक्सिमम बार पूछे गया है। ओके, तो उसका फार्मूला होता है 2/3 इंटू डब्ल्यू इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई आई इन ब्रैकेट 3a प्लस बी टू द पावर होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो इस तरीके से मैंने गाइस मैक्सिमम चीजें आपको बता दी है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूले और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। हैव अ नाइस डे गाइस, बाय बाय।